हजारीबाग उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता में बताया कि बुधवार को मिले 7 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति पिछले दिनों मुंबई से लौटे थे। संक्रमित व्यक्ति कटकमसांडी, बरकट्टा, मुफसिल तथा कोलघट्टी के प्रवासी मजदूर हैं। सभी को राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जिले में बनाए गए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनमें से एक होम क्वारंटाइन में था। इसके संक्रमित होने की पुष्टि के बाद उनके परिवारों को अन्य सदस्यों को आइसोलेट कर जांच की प्रक्रिया जारी है। संबंधित गांव में कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इधर पुलिस अधीक्षक कार्तिकेश ने बताया कि लॉकडाउन एवं ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में अब तक 16,62,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। बुधवार को 46 वाहनों से 42,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एक व्यक्ति जो पूर्व में आया था 17 तारीख को अपने घर गया था, घर में होम क्वारंटीन में रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के लोगों ने इंसिस्ट करके उसको जांच के लिए भेजा था। जांच में पॉजिटिव आया। उसके घर वालों का आज हम लोग सैंपल लेकर के देखेंगे। प्राइमरी कॉन्टैक्ट का हमारे ट्रूनेट है, अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव आया तो हम लोग कंटेनमेंट जोन का प्लान करेंगे। बाकी शेष डायरेक्टली आएंगे हमारे सेंट कोलंबस में और हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में। कहाँ कहाँ के हैं? उसमें से 2 बरकट्ठा के हैं, 3 कोलघट्टी के हैं, 1 कटकमसांडी का है।